हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो बायोलॉजी सीरीज में हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था वो हमने कवर किया था इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली का। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसके बारे में हमने देखा था कि इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है, कि हमारे बॉडी की किसी भी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट जो है उससे लड़ने की क्षमता को, उससे लड़ने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम जो है कहते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। इसमें हमने देख लिया था कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडीज क्या होते हैं, वैक्सीनेशन से एंटीबॉडीज कैसे डिफरेंट है, इम्यूनोग्लोबुल्स क्या है, तो ये सब चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर दे चुके हैं। और आज इस वीडियो का हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम में जो हमारी इम्यूनिटी है वो कितनी तरह की होती है, कितने टाइप की होती है। तो छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कवर कर लेते हैं, तो शुरू करें। तो इम्यूनिटी जो है, सबसे पहले तो देखें कि इम्यून सिस्टम में जो हमारी इम्यूनिटी है वो मेनली आपकी दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक है आपकी इननेट, इननेट इम्यूनिटी, और दूसरी तरफ आप लिख लें एक्वायर्ड, यानी कि जिसे अधिग्रहित किया गया है, अधिग्रहण वाली, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाम से पता लग रहा है इननेट यानी कि अंदरूनी, यानी कि आपकी बॉडी में जो पहले से मौजूद है इम्यूनिटी वो इननेट इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड जिसे बाद में एक्वायर किया गया है, अधिग्रहित किया गया है। तो इननेट इम्यूनिटी जो कि हमारे में पहले से ही है, इननेट इम्यूनिटी मतलब कि ये जो इम्यूनिटी है आपकी कब एक्ट करेगी, जब कोई बाहरी आपका पैथोजन, कोई भी फॉरेन आपका बॉडी पार्टिकल है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कुछ भी पैरासाइट जो हमारी बॉडी को अटैक करे, उस टाइम ऐसी इम्यूनिटी जो पहले से मौजूद है उसी टाइम बिना टाइम वेस्ट के जो है उस पर, उस फॉरेन बॉडी पार्टिकल पर अटैक कर दे, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, इननेट इम्यूनिटी जो है कहते हैं। तो इननेट इम्यूनिटी में हम देखेंगे कि ये इम्यूनिटी जो है हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होती है, और ये जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल हमारी बॉडी को अटैक करता है जो कि हमें डिजीज कोज कर सकता है, तो उस पर जो है ये वाली इम्यूनिटी जो है आपका अटैक कर देती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझे तो आपकी फिजिकल बैरियर में अगर आप देखें तो जो आपकी स्किन है आपकी जो इंटरनल लाइनिंग है, जो आपकी जो बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि अगर आपके माउथ के अंदर का जो अंदर की जो लेयर है, म्यूकस जो आपकी बनी है, तो ये सब भी जो है आपकी इननेट इम्यूनिटी की तरह काम करती है। स्किन जो है कैसे करेगी, स्किन जो है आपके किसी भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल को जो है आपके शरीर के अंदर नहीं जाने देती है, तो यहाँ पर जो है उसे स्किन एक बैरियर की तरह जो है आपके, जो है आप कह सकते हैं, प्रोटेक्ट करती है। स्किन पर जो आपके कई ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि आपकी स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स है, इसमें आपका, जब मैंने आपको स्किन टॉपिक पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि स्वेट ग्लैंड से आपके पसीने में क्या होता है, कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। तो लाइसोजाइम जो एंजाइम है आपकी जो स्किन पर आता है पसीने के थ्रू, ये जो है अगर कोई भी वायरसेस है, बैक्टीरिया, अगर आपकी स्किन पर आता है तो उसे जो है ये एंजाइम जो है मार देता है। तो इस तरह से ये जो है एक इननेट इम्यूनिटी का पार्ट है जो कि हमें जो है प्रोटेक्ट जो है आपका करता है। इसी तरह जो आपकी स्किन पर हेयर्स हैं वो भी जो है एक तरह से इम्यूनिटी का जो आप काम करते हैं, वो आपके हेयर जो है आपको एक स्वाइप अप कर देते हैं, बाकी फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स को आपके शीट से जो है आपको स्वाइप अप करते हैं, उन्हें हटाते हैं। तो ये सब चीजें आपके कह सकते हैं कि इननेट इम्यूनिटी का पार्ट है। इसके अलावा आप देखें तो ये तो अगर हम फिजिकल बैरियर में हम देखें तो एक स्किन जो है आप कह सकते हैं कि आपका बैरियर की तरह काम करता है, जो कि बाहरी फॉरेन पार्टिकल से आपको बचाता है। इसी तरह कुछ केमिकल सब्सटेंसेस भी हैं, केमिकल्स हैं, सेल्स हैं, जो कि इननेट इम्यूनिटी का पार्ट है। कौन कौन से? जैसे कि मोनोसाइट्स आपके ब्लड में है, मोनोसाइट्स हैं, आपके न्यूट्रोफिल्स, इसी तरह जो कई सारे सेल्स हैं जो आपके ऐसे ब्लड में पाए जाते हैं, जो कि अगर मान लीजिए कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स आपके शरीर में एंटर कर गया है तो उसको ये जो
ब्लड में आपके मोनोसाइट्स है और न्यूट्रोफिल्स है, ये उनको डायरेक्ट अटैक कर देते हैं, उनको जो है आप कह सकते हैं आम भाषा में कि उनको खा जाते हैं। तो इस तरह से ये फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स से ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं ये आपको फाइट करते हैं, आपको बचाते हैं। इसी तरह जो आपके किलर सेल्स है आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, वो भी आपके उन फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स पे जो है अटैक करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब आपकी कोई भी इन्फेक्शन होता है आपकी बॉडी पे, कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी पर अटैक करता है, तो वहां पर एक लाल लाल जो है एरिया बन जाता है, सूजन आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन या सूजन। ये सूजन दरअसल क्या क्यों होती है, जब कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल आपकी स्किन पर अटैक करेगा तो वहां पर क्योंकि इन्फेक्शन हो गई है, वो एरिया आपका इन्फेक्टेड हो चुका है, तो उसके अगेंस्ट जो आपकी इननेट इम्यूनिटी है वो अटैक करेगी, यानी कि वहां पर जो है आपके जो प्रोटेक्टेड सेल है, कई सारे सेल्स जो है आपके यहाँ पर आके जो है इकट्ठे हो जाएंगे, मोनोसाइट्स इकट्ठे हो जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स इकट्ठे हो जाएंगे, आपके पस सेल्स जो है इकट्ठे हो जाते हैं, पस सेल आपने देखा होगा, वो भी यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे कि वहां पर ज्यादा आपको रेडनेस जो है दिखती है, और ये सेल्स जो है यहाँ पर जो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण आपको लाल लाल दिखाई देने लग जाता है वो एरिया, वो सारे सेल मिलकर उस फॉरेन बॉडी पार्टिकल को जो है क्या करते हैं, वो आपको किल कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो इननेट इम्यूनिटी जो है आपका, जिसमें आपका फिजिकल बैरियर में आपका स्किन कह ले, केमिकल्स में कई सारे सेल्स है, ये आपकी जो बॉडी में है जो है आपको इस, ये आपका कोई टाइम नहीं लगाते कि आपकी इम्यूनिटी बने, पहले उसके अगेंस्ट हम उस फॉरेन बॉडी पार्टिकल के अगेंस्ट पहले हम एंटीबॉडीज बनाए जो उसको किल करेगी, तो इतना टाइम ये नहीं लेती, ये तुरंत जो है उस पर एक्ट करती है और आपको जो है बचाती है किसी भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल से। तो ये आपके पहले से प्रेजेंट होती है, इसे एक्वायर बाद में इसे अधिग्रहण यानी कि एक्वायर करने के लिए आपको टाइम नहीं लगता है। इसी तरह आपकी दूसरी अगर हम देखें एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि जिसे एक्वायर किया जाता है, अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया तो कई टाइम लगता है आपकी बॉडी को ये इम्यूनिटी ग्रहण करने में, यानी कि पहले आपकी देखेगी कि किस फॉरेन बॉडी पार्टिकल ने आपकी बॉडी पर अटैक किया है, उसके अगेंस्ट फिर आपकी बॉडी एक्ट करती है, उसकी पहचान करती है कि कौन से फॉरेन बॉडी पार्टिकल ने आपके ऊपर अटैक किया है, फिर उस फॉरेन बॉडी पार्टिकल के अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट जो है आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाती है। तो ये जो इम्यूनिटी होती है जो आप एक्वायर करते हैं, पहले उसे पहचानते हैं फॉरेन बॉडी पार्टिकल की कौन सा है कैसा है, फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं, तो ऐसी इम्यूनिटी को आप क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है कहते हैं। इसमें आपके दो जो सेल्स है वो आपके काम करते हैं, कौन से, बी सेल्स, बीटा सेल कह देते हैं, और टी सेल्स। बीटा सेल और टी सेल्स जो हमने लास्ट फर्स्ट पार्ट किया था उसमें भी मैंने इनके बारे में डिस्कस किया था जब हमने एंटीबॉडी के बारे में समझाया था। तो ये दोनों ही सेल दरअसल जो है आपके कहाँ पाए जाते हैं, स्टेम सेल्स में पाए जाते हैं। स्टेम सेल्स में भी कहाँ पर, आपका जो बोन मैरो है वहां पर आपके ये पाए जाते हैं। तो बोन मैरो आपका जो है बोन्स में होता है, जहां से आपके रेड आरबीसी डब्ल्यूबीसी आपका जहां से बनते हैं, तो वहां पर ये सेल्स जो होते हैं बी सेल्स और टी सेल्स, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इनका क्या काम है, ये कैसे काम करते हैं। तो बीटा सेल जो क्या करते हैं, जब आपका फॉरेन बॉडी पार्टिकल आपके बॉडी को अटैक करता है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन आ जाता है, उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे ये इम्यूनिटी क्योंकि एक्ट करती है, काफी समय लेती है, ये इमीडिएट इफेक्ट करती है, तो ये पहले तो पहचान करेगी कि किस तरह का जो है आपका वायरस है, किस तरह का आपका फॉरेन बॉडी पार्टिकल है, पहले उसकी पहचान करेगी, उसके पहचान करके पहले ये देखेगी कि पहली बार इसने इस फॉरेन बॉडी पार्टिकल ने हमारी बॉडी पर पहली बार अटैक किया है या फिर पहले इस पर अटैक कर चुकी है। अगर तो पहली बार अटैक किया है तो ठीक है, लेकिन पहले भी अगर हम इसे सेम वायरस से, सेम बैक्टीरिया से अगर हम पहले अटैक हो चुके हैं, पहले हम इससे फेस कर चुके हैं, तो ये उससे पहचान लेगी बीटा सेल्स, और ये इस क्योंकि इसने पहचान कर ली है तो अब इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट वही सेम एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट एक्ट करेंगे जो कि पहले इन्होंने इस वायरस को मारा था, क्योंकि यहाँ पर बीटा सेल पहचान करेंगे कि इस वायरस को तो ये वायरस से हम पहले भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं और पहले ही हमारी बॉडी में इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बन चुकी है, यानी कि इस वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में पहले ही एंटीबॉडी
बन चुके हैं, तो ये पहचान कर लेगी। उसके बाद वो सेम जो आपके एंटीबॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी में पहले बन चुकी थी, वो सेम एंटीबॉडी का वो क्या करेंगे, इस सेल को, आपको ये जो आपका वायरस होगा इसके अगेंस्ट दोबारा से आपका लड़ना शुरू करेंगे। और ये काम कौन करता है, टी सेल्स। टी सेल्स में जो आपके एंटीबॉडी है वो आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, जो पहले से आपके इस वायरस के अगेंस्ट बने हुए थे आपकी बॉडी में, और ये आपके इस फॉरेन बॉडी पार्टिकल को, आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो आपका किल कर देगी, मार देगी। तो ये काम है आपका बीटा सेल्स का, कि ये पहचान करती है कि कौन सा वायरस किस बैक्टीरिया से आपकी बॉडी इन्फेक्टेड हुई है। और अगर पहली बार आप इस बैक्टीरिया वायरस से इफेक्ट हुए हैं, पहली बार इन्फेक्शन हुआ है, तो ये पहचान करेगी किस तरह का बैक्टीरिया है, किस तरह का वायरस है जिससे कि आपकी बॉडी इन्फेक्टेड हुई है, और उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका एंटीबॉडी जो है बनाएगी कौन, टी सेल्स। टी सेल्स का क्या है, ये आपका एंटीबॉडी उसके अकॉर्डिंग बनाएगी, और जो कि उस फॉरेन बॉडी पार्टिकल को मार सके और उसको फिर मार देगी। काम मारने का काम किसका है, टी सेल्स में जो आपकी एंटीबॉडी है उनका, और बी सेल्स में जो बीटा सेल्स में जो आपके एंटीबॉडीज आएंगे उनका काम सिर्फ ये है पहचान करना कि किस तरह का इन्फेक्शन, किस तरह का जो फॉरेन बॉडी पार्टिकल है उसने आपकी बॉडी को जो है इन्फेक्ट जो है किया है। और ये दोनों ही आपके बीटा सेल्स और टी सेल्स जो है आपके कहां पाए जाते हैं, स्टेम सेल्स में, यानी जो आपका रेड बोन मैरो है वहां पर, सॉरी व्हाइट ब्लड सेल्स है वहां पे, आपके जो बोन मैरो है जो बोन में होते हैं वहां ये जो है आपके पाए जाते हैं। तो ये था एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि एक्वायर की जाती है बाद में, यानी कि पहले बॉडी इन्फेक्ट होती है और उसके थोड़े दिन बाद जो है ये इम्यूनिटी उस फॉरेन बॉडी पार्टिकल के अगेंस्ट जो है बनती है। अब एग्जाम्पल अगर आप ले लें, करंट का एग्जाम्पल ले, तो जो कोरोना वायरस है इसके अगेंस्ट आप देखें तो हमने अब इम्यूनिटी कई लोगों में बन चुकी है, मैक्सिमम लोगों में वैसे ज्यादातर बन ही चुकी है। तो कोरोना वायरस के अगेंस्ट हमारे मास आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों में जो इम्यूनिटी बनी है वो किस तरह की है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहले पहचान किया गया हमारी बॉडी में बीटा सेल्स की किस तरह का वायरस है कोरोना वायरस, उसके अकॉर्डिंग टी सेल्स ने जो है वहां पर काम करना शुरू किया है। कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स आप देखेंगे, कई हेल्थ वर्कर्स ऐसे हैं जो आपके उस कोरोना वायरस के अगेंस्ट प्रोन हो चुके हैं, उसको फेस कर चुके हैं, लेकिन अब वो फिर भी उससे कई बार अब नॉर्मली वो बिना मास्क के काम कर रहे हैं। कई आप कई प्रोफेशंस को देखेंगे बिना मास्क के काम करते हैं, जो आपके कोरोना वायरस पेशेंट जो इन्फेक्टेड है उनके साथ इसीलिए काम कर रहे हैं बिना मास्क के, बिना कोई प्रिकॉशंस लिए। उन्हें डर क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी में क्या है, अब इम्यूनिटी बन चुकी है, क्योंकि वो पहले ही फेस हो चुके हैं उस कोरोना वायरस से। तो उसके बॉडी में जो बीटा सेल्स ने उस कोरोना वायरस को पहचान लिया है कि वो किस तरह का है, आइडेंटिफाई कर लिया है, और उसकी बॉडी में पहले ही टी सेल्स ने जो है एंटीबॉडी बनाकर रख लिए है कि हम क्योंकि पहले ही प्रोन हो चुके हैं और वहां पर पहचान कर उसने एंटीबॉडी बना ली है। तो अब जो है वो हेल्थ वर्कर्स जो है, अब क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी उनके पास है तो उन्हें अब कोई डर नहीं है, आप कह सकते हैं फिर भी प्रिकॉशंस तो लेनी चाहिए, लेकिन उनकी बॉडी में क्योंकि पहले एक्वायर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है तो उनको डरने की जो है इतनी जरूरत नहीं है। उनकी बॉडी इतनी कैपेबल है, अगर वो हेल्दी है हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो इतनी कैपेबल होगी कि वो इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के थ्रू किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है उनकी बॉडी फाइट कर सके। तो ये थी आपकी दो तरह की मेनली इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी की, आपकी दो तरह की जो है इम्यूनिटी होती है, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट इम्यून सिस्टम का, छोटा सा था। आई होप ये इसी के साथ आपका पूरा जो टॉपिक है इम्यून सिस्टम का, प्रतिरक्षा प्रणाली का कवर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।